नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्लाज्मा थेरेपी पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कोरोना के इलाज के लिए अभी प्लाज्मा थेरेपी को लेकर चल रहा रिसर्च सही ना होने पर जानलेवा हो सकती है प्लाज्मा थेरेपी। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के राज्यों को चिट्ठी, हालात बिगड़ने पर पूरी तरह तैयार रहने को कहा, कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर अलर्ट रहे राज्य। रैपिड टेस्टिंग किट में गड़बड़ी के बाद दो चाइनीज कंपनियां ब्लैकलिस्ट, चीन की आपत्ति पर सरकार का जवाब, चीन से आने वाले हर सामान की होगी कड़ी जांच। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना तत्काल लागू करने पर करे विचार, महामारी की स्थिति में प्रवासी श्रमिकों को मिलेगी मदद। और राहुल गांधी का सरकार पर आरोप, संसद से छुपाया सच, देश के बड़े 50 बैंक चोरों की वित्त मंत्री ने दी थी जानकारी, अब आरबीआई ने नीरव मेहुल चौकसी के नाम लिस्ट में डाले। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है। केंद्र ने कोरोना से हालात बिगड़ने पर निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर स्थिति बिगड़ने की दिशा में तैयारी पूरी करने को कहा है। सचिव ने कहा है कि अगर केस काफी बढ़े तो उससे निपटने के लिए राज्य स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करके रखें। साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को नसीहत दी है कि नॉन कोविड मरीजों की भी अनदेखी नहीं हो। केरल, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर नया दावा किया है। केंद्र सरकार का कहना है कि अभी तक कोरोना का कोई इलाज नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर अभी रिसर्च और ट्रायल चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी से इलाज जोखिम भरा हो सकता है और मरीज के लिए जानलेवा भी हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर अभी प्रयोग चल रहा है। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर ने साफ किया है कि नैदानिक अनुसंधान और ट्रायल्स को लेकर कोई अप्रूवल नहीं है, ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित किसी भी दावे को करना अनुचित होगा कुछ समय के लिए, ये रोगियों के लिए भी कुछ जोखिम भरा होगा। आईसीएमआर पहले ही इस पर अध्ययन कर रहा है। आज देश में क्या दुनिया भर में भी कोई अप्रूव थेरेपी नहीं है, एंड प्लाज्मा थेरेपी इज वन ऑफ द थेरेपी विच इज बीइंग एक्सपेरिमेंटेड विद, हाउएवर सो फार देर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट इट एज अ ट्रीटमेंट। यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। USFDA ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में ही देखा है। ICMR ने एक नेशनल स्टडी को लॉन्च किया है ताकि वह इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में स्टडी कर सके। इसलिए इस विषय में यह क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि जब तक कि ICMR अपनी स्टडी को कंक्लूड ना कर ले, रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल ना हो, तब तक इस थेरेपी को केवल हम या तो रिसर्च या ट्रायल पर्पस के लिए ही उपयोग करें। इनफैक्ट जो प्लाज्मा थेरेपी है, अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत इस्तेमाल ना करें तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक बहुत हल्के लक्षणों वाले मरीज भी खुद को घर में आइसोलेट कर सकते हैं। अभी तक नियम था कि मरीजों की हालात के आधार पर कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर या डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता था। नए दिशा निर्देश के मुताबिक वेरी माइल्ड कैटेगरी में होने के साथ ही मरीज के घर पर सेल्फ आइसोलेशन और परिवार के सदस्यों को क्वारंटीन की सुविधा होनी चाहिए। मरीज की 24 घंटे देखभाल के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। मरीज जब तक आइसोलेशन में है तब तक उसकी देखभाल करने वाले और अस्पताल के बीच संपर्क का जरिया होना चाहिए। साथ ही देखभाल करने वाले और मरीज के करीब संपर्क आने वाले लोगों को डॉक्टर की सलाह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा लेनी होगी। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। इसे ब्लूटूथ और वाईफाई के जरिए हर वक्त एक्टिव रखना जरूरी होगा। मरीज को अपने स्वास्थ्य के बारे में डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर को नियमित जानकारी देनी होगी। साथ ही मरीज को गाइडलाइंस फॉलो करने की अंडरटेकिंग भी देनी होगी। गंभीर लक्षण दिखने पर तुरंत संपर्क करना होगा। होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइंस हैं, इसमें कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जैसे कि
पेशेंट को सेल्फ आइसोलेशन पर एक अंडरटेकिंग को भरना होगा। मेडिकल ऑफिसर द्वारा व्यक्ति को क्लिनिकली या तो वेरी माइल्ड केस या प्री सिम्टोमेटिक केस डायग्नोस करना होगा। उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए उसको निरंतर उपयोग करना होगा। उनके पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए और उनके फैमिली कॉन्टैक्ट्स को प्रॉपर क्वारंटाइन करने के लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटी होनी चाहिए। वहीं गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि सरकार अब जांच पर ज्यादा जोर दे रही है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पूर्णी सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम गुजरात के इलाकों का दौरा कर रही है। टीम के मुताबिक सूरत में भारी संख्या में टेस्टिंग चल रही है, इससे कोरोना के मरीजों की पहचान शुरुआती स्टेज में ही हो रही है। सुझाव दिया है कि श्रमिकों के साथ कोविड 19 के बारे में जो जानकारी है उसको उन्हीं की भाषा में साझा करें। IMCT ने प्रशासन के साथ, जन प्रतिनिधियों के साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ भी विचार विमर्श किया है, खासकर टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्रीज जो श्रमिकों को का मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि कोरोना पर धीरे धीरे लगाम लग रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले 14 दिनों में हमारा डबलिंग रेट 8.7 है, वहीं 7 दिन की स्थिति देखें तो डबलिंग रेट 10.2 है, जबकि 3 दिन में ये रेट 10.9 है। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि पिछले 7 दिनों में 80 जिलों में कोई नया केस नहीं आया। 47 जिले ऐसे हैं जिनमें 14 दिन में नया मरीज नहीं मिला है। ET districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 47 districts have not reported a case for the last 14 days. 39 districts have not reported a case for the last 21 days. And 17 districts have not reported a case for the last 28 days. चीन के एतराज पर भारत ने जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम किसी देश के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अवसर बने इसकी कोशिश करेंगे। साथ ही सरकार ने कहा कि चीन से आने वाले सभी सामानों की कड़ी जांच की जाएगी। दरअसल चीन से मंगाए गए कोरोना रैपिड टेस्ट किट में गड़बड़ियों की खबर के बाद सरकार ने कार्रवाई की थी। 2 चीनी कंपनियों को सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। ICMR ने इनके रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सरकार की इस कार्रवाई से चीन भड़क गया था। चीनी दूतावास ने एतराज जताते हुए कहा कि चीनी दूतावासों को दोषपूर्ण करार देना अनुचित और गैर जिम्मेदाराना है। गैर पेशेवरों के इस्तेमाल करने पर सटीक नतीजे नहीं मिल सकते हैं। We are not against any country. We are only pro India. हम भारत के लिए समर्पित हैं और भारत के लिए अवसर बने इसकी कोशिश करेंगे। As regards security initiatives are concerned, surely why not? Any product coming from any country, particularly China, we expect proper security audit and verification. उधर पश्चिम बंगाल में कोलकाता से सटे हावड़ा में पुलिस की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। घटना हावड़ा के टिकियापाड़ा के बेलिलियस रोड की है। लॉकडाउन तोड़कर सड़क पर उतरे लोगों ने पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की। टिकियापाड़ा में सैकड़ों लोगों की भीड़ बाजार में जुटी थी। लॉकडाउन का उल्लंघन होता देख पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की तो नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। वहीं गुजरात के सूरत में लॉकडाउन के दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ है, जिसमें एक पुलिस वाला जख्मी हो गया है। इस हमले में पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है। सूरत के डिंडौली इलाके में लॉकडाउन को लागू कराने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी। पुलिस के पहुंचते ही स्थानीय लोग भड़क गए और पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी को चोट आई है। हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ गए हैं सत्येंद्र रंजन जी, जो कि newsplatform.in के कार्यकारी संपादक है। सत्येंद्र जी, लगातार खबरें आ रही हैं कि जहां पर भी लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है वहां पे अगर पुलिस टीम पहुंचती है उन पे पथराव शुरू कर दिया जाता है। आखिर कहां पर कमी रह गई है लोगों को समझाने में कि लॉकडाउन कितना ज़रूरी है और क्यों लोग नहीं समझ पा रहे और ये पथराव की घटनाएँ लगातार क्यों बढ़ रही हैं? देखिए आकांक्षा, ये आज जो 2 घटनाएं हुई हैं सूरत में और कोलकाता में,
ये कुल मिलाकर देश में एक बनती हुई विकट हालत, जो विकट स्थिति बन रही है, उसकी तरफ इंगित करती हैं। आपने यह जो पूछा कि लॉकडाउन को समझाने में कहाँ कमी रह गई है, तो सवाल यह है कि जो लॉकडाउन है इसको लेकर समाज के जो अलग अलग तबके हैं उनकी जो अलग अलग परिस्थितियां हैं उसके बीच में अलग अलग एक स्थितियां बनी है। जैसा कि एक जो जिसे पिछले कुछ समय में बालकनी क्लास कहा गया है, जो लोग अपने घरों में आराम से हैं और जिनके पास कोई तात्कालिक दिक्कतें नहीं हैं खाने पीने की या उनकी जो आर्थिक सुरक्षा है उसको लेकर, उनकी समझ लॉकडाउन को लेकर एक अलग है। लेकिन आज जो हमला जिन लोगों ने किया है वो वर्किंग क्लास के हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं जो दूसरी जगह से आए हुए हैं, सूरत में और कोलकाता से भी में भी जो है वो वर्किंग क्लास के लोग हैं जिनकी रोजी रोटी इस लॉकडाउन में छिन गई है, जो अपने घरों से दूर हैं और एक जो ऐसी स्थिति बन गई है कि कोई ट्रेन या बस और नहीं चलने की वजह से उनके भीतर जो बेचैनी है वो बेचैनी अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसके धीरज का जो उनका बांध है वो टूट रहा है। उसकी एक बड़ी साफ सी ये आप देखें कि जब 14 तारीख तक पहला लॉकडाउन था, जब वो लॉकडाउन की अवधि खत्म हुई थी, उसके बाद तुरंत बॉम्बे में और सूरत में और भी कुछ जगहों पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी। हालांकि तब हिंसा नहीं हुई थी, तब लोग आए थे अपनी जगहों पे वापस जाने के लिए। लेकिन अब चूंकि 3 तारीख करीब आ रहा है और ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि 3 तारीख को भी ये लॉकडाउन खत्म होगा, तो ये लोगों के भीतर जो बेचैनी है, उनके भीतर जो एक बेसब्री है अपने घर जाने की और अब वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं जहाँ वो लोग फंसे हुए हैं, जहाँ वो सारी चीज़ें एक ऐसी हालात पैदा कर रहे हैं जिसमें लोग सड़कों पर आकर उनके सब्र का बांध टूट रहा है और इस स्थिति को बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति के साथ और एक धीरज के साथ समझने की आवश्यकता है। अगर ये नहीं समझा जाएगा तो आने वाले दिनों में आज जो कोलकाता या सूरत में हुआ वो दूसरी जगहों पे भी हो सकता है, वहाँ ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए लोगों के साथ में संवाद बनाना काफ़ी नहीं है जब तक कि उनके लिए एक अनुकूल स्थितियाँ पैदा नहीं की जाएंगी जिसमें कि वो लोग कम से कम जहाँ हैं वहाँ अपने को आराम से रहता हुआ महसूस कर सकें। जी सत्येन जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। If there is an outbreak in any part of the world, it will reach you. मंदिर मस्जिद से अधिक हमारे पास अस्पताल थी। मैं तो दूसरे दिन कहता कि आज हमारे मजदूरों को यहाँ लेके आओ। जो अपने पढ़े लिखे मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं, तो उनको लाने के लिए स्पेशल जहाज भेज सकते हो आप। अपने गरीब मजदूर के लिए एक ट्रेन या बस भी इंतजाम नहीं करोगे। ये प्रॉपर प्लानिंग ना होती तो शायद देश भर के अंदर कोरोना की महामारी की वजह से बहुत जाने भी जाती है और अर्थव्यवस्था का भी बहुत नुकसान। In the history of mankind, 2020 would be seen as a year not for the vision 2020, but for corona 2020. देखिए नीलू व्यास के साथ हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसे तत्काल लागू करने पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी रूपक कंसल की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान की। दरअसल केंद्र सरकार ने जून से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का ऐलान कर रखा है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और इसे तत्काल लागू करने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि इस योजना के तत्काल लागू होने से कोरोना संकट के समय लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे सभी व्यक्तियों को भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है और जिन्हें वन नेशन वन अम्ब्रेला को अपनाना होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू होने के बाद मजदूरों, कर्मचारियों, छोटे व्यवसायियों आदि को राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी सुविधाएं एक ही कार्ड के सहारे मिल पाएगी।
तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से एक दिल दहलाने वाली खबर आई है। यहाँ लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र से अपने घर पहुंचे एक युवक की मौत हो गई। यह युवक 1600 किलोमीटर का सफर कर अपने गांव पहुंचा था। गांव पहुंचने के बाद युवक को क्वारंटीन किया गया, लेकिन महज 4 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के मुंबई में रहने वाले इस शख्स को लॉकडाउन के कारण खाने की परेशानी हो रही थी। ऐसे में यह शख्स मुंबई से श्रावस्ती से अपने गाँव मटखनवा तक पैदल ही पहुंचा था। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप है। अब कोरोना की जेल में एंट्री हो गई है। सेंट्रल जेल के 19 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेंट्रल जेल के असरवाद खुर्द में जो अस्थायी जेल बनाया गया था, उसमें कई कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए थे। जी, 19 लोगों के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और वो उन्हीं लोगों में थे जिन्होंने पहले जो पत्थरबाजी की थी और गिरफ्तार हुए थे। उनके संपर्क में आने के कारण कुछ और लोग भी अभी हुए हैं। इनको असरावद में रखा जाएगा, स्थायी जेल को उसको बनाकर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, जिसमें मध्य प्रदेश में फंसे जम्मू कश्मीर के छात्रों को वापस भेजने की मांग की गई है। दिग्विजय सिंह ने अपने खत में लिखा है कि उन्होंने इससे पहले 19 अप्रैल और 23 अप्रैल को भी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें मध्य प्रदेश में फंसे 238 कश्मीरी छात्रों की सूची भी प्रेषित की गई थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि उन्हें अपने घर वापस भेज दिया जाए। उन्होंने आगे लिखा कि हाल ही में लॉकडाउन के कारण कोटा में फंसे जम्मू कश्मीर के 369 छात्र छात्राओं को वापस उनके राज्य भेज दिया गया, जिसकी खबर अलग अलग अखबारों में भी छपी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में फंसे इन छात्रों को भी इसी प्रोटोकॉल के तहत जम्मू कश्मीर वापस भेजा जाना चाहिए। उधर राजस्थान के कोटा में घर वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बिहार के छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में छात्रों, कोचिंग संचालकों और हॉस्टल मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि बिहार के हजारों छात्र कोटा में फंसे हुए हैं। वे घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने छात्रों को वापस बुलाने से इनकार कर दिया है। नीतीश सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जो जहां है वही रहने में सबकी भलाई है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम समेत कई राज्य कोटा से अपने छात्रों को वापस बुला चुके हैं। वही कोटा में फंसे छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र और नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नीतीश कुमार ने ये मुद्दा उठाया था, अब राज्य सरकार को इस पर अपनी योजना तैयार करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने स्वयं कल प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी ये कहा गया कि केंद्र सरकार इस पर स्पष्ट राय दे कि कोटा से छात्रों को बुलाया जा सकता है कि नहीं बुलाया जा सकता, और अन्य प्रदेशों में फंसे हुए जो मजदूर हैं, हमारे प्रवासी मजदूर हैं, उनको वापस लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता। अगर लाया जा सकता है उसकी मॉडलिटीज़ केंद्र सरकार सबसे राय मशवरा करके वो निर्धारित करे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन केंद्र सरकार है, उन्होंने ऐसा कोई निर्णय अभी तक तो लिया नहीं है। वहीं आरजेडी ने भी नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया है। आरजेडी नेता मनोज झा ने दूसरे राज्य कहा है कि दूसरे राज्य भी अपने छात्रों को कोटा से निकाल कर ले गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी राज्य भी तो हैं, अपने स्टूडेंट्स को ले गए, माइग्रेंट वर्कफोर्स को ले गए। ये तो सोचना होगा ना कि हमारी संवेदनाएं कहां जाकर ठहरती है। क्या हमारी पूरी सारी की सारी नीति 5% लोगों के हिसाब से चलेगी? उनके लिए घर का कोई मतलब नहीं है, जो अलग अलग ठिकानों पर 10x10 के कमरे में 20 लोग रह रहे हैं, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है। मैं समझता हूं कि महामारी के वक्त में जिस प्रकार की संवेदना और संजीदगी की जरूरत थी, मेरे राज्य के मुखिया में उसका घोर अभाव दिखा। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों के समर्थन में पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन किया। वे कोटा में फंसे छात्रों को वापस बुलाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी छात्र अपने हाथों में पोस्टर लिए थे, जिस पर कोटा में फंसे छात्रों को वापस बुलाने की मांग की गई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि इनके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा।
छात्र मजदूर फंसे हुए कोटा और अन्य राज्यों में, लेकिन यहाँ की सरकार सोई हुई है। वही योगी, वही पे महाराष्ट्र, सब सरकार अपने बच्चों को बुला ली है, लेकिन यहाँ की सरकार बच्चों को नहीं बुला रही है। में कोटा में फंसे छात्रों की घर वापसी को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और एक हफ्ते में इस मामले में जवाब देने को कहा है। अब इस मामले की सुनवाई 5 मई को होगी। आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे बिहार के हजारों छात्र लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारें अपने अपने राज्य के छात्रों को वापस बुला चुकी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बिहार सरकार तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे अपने प्रवासी मजदूरों को वापस बुला रही है। इसी के गुजरात के सूरत में 36 मजदूरों को लेकर एक बस उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई। इन मजदूरों को उत्तर प्रदेश लाने के बाद पहले इनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद इन्हें उनके घर भेजा जाएगा। राजस्थान सरकार ने केंद्र के सामने प्रवासी मजदूरों और छात्रों की वापसी का मुद्दा उठाया है। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात की। प्रताप सिंह ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों को घर पहुंचाने के लिए गाइडलाइंस बनाने की मांग की है, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राज्यों के साथ बात कर जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा सकता है। भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करके कहा कि आप केंद्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, आपको प्रवासी जितने भी मजदूर हैं जो अलग अलग स्टेट में फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए और पूरे देश में ट्रांसपोर्ट को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है ये सब मॉनिटरिंग भारत सरकार को करनी चाहिए। एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आप मॉनिटरिंग करो, लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो फंसे हो वो जा सके। उन्होंने मुझे कहा कि इसको लेकर मैं आपकी बात से सहमत हूं और हम जल्दी से जल्दी उन्होंने डायरेक्शन दिए मीटिंग में, कहा हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, हेल्पलाइन नंबर जिसमें जो लोग जहां अटके हुए हैं उनकी हम क्या परेशानी दूर कर सकते हैं सब परेशानी दूर करें। ट्रांसपोर्ट को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं हैं, टैक्सीज ले नहीं पा रहे हैं, ऐसे में उनको बड़ी मदद करनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से पैसा जारी करें, हमने उनसे बड़े पैसे की। कोरोना संकट के बीच यूपी के बुलंदशहर में दो साधुओं की हत्या से सनसनी फैल गई है। मंदिर परिसर में दोनों साधुओं के शव खून से लथपथ हालत में मिले। शक के आधार पर पुलिस ने गांव के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। ऐसा बताया जा रहा है कि युवक और संतों के बीच सोमवार को किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। आरोपी मुरारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया है। पकड़ करके न्यायिक अभिरक्षा दिया गया है और आला कत्ल उससे जो है बरामद कर लिया गया है। और आला कत्ल में क्या है सर? आला कत्ल एक डंडा है, मोटा ठोस टाइप ठोस डंडा है, उससे इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसके अलावा अगर गुत्थम गुत्था हुई तो दीवार वगैरह इनके से सिर भी इसने लड़ाया वगैरह हो सकता है। और इनका PM करा लिया गया है और वो भी आ गई है, परम्परा के अनुसार अंतिम क्रिया की गई है। यूपी के बुलंदशहर में दो साधुओं की हत्या पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि अप्रैल के पहले 15 दिनों में ही उत्तर प्रदेश में 100 लोगों की हत्या हो गई। 3 दिन पहले एटा में पचौरी परिवार के 5 लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए, कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ। आज बुलंदशहर में एक मंदिर में सो रहे दो साधुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं बुलंदशहर में दो साधुओं की हत्या के मामले में महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की। उन्होंने साधुओं की हत्या पर चिंता जाहिर की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि बिना सियासत ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। बुलंदशहर में साधुओं की हत्या पर कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि CM योगी से पूछा कि इतना सन्नाटा क्यों है। बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश के दो साधुओं की हत्या हुई तो इतना मौन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अचानक दिखाई दे रहा है। जब पालघर की घटना हुई तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उद्धव ठाकरे जी को फोन किया था,
तो अब अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन क्यों नहीं किया? पालघर के साधु और बुलंदशहर के साधु में कोई फर्क है क्या? साधुओं में फर्क होता है क्या? इसका भी जवाब भारतीय जनता पार्टी ने देना चाहिए। वही उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दो साधुओं की हत्या पर कंप्यूटर बाबा ने नाराजगी जाहिर की है और योगी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि आखिर साधु संतों ने क्या बिगाड़ा है जो उन पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी बताएं कि ये रामराज है या रावण राज। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, आपके राज्य में संतों की हत्या, वो भी संतों को काट डाला ऐसी हत्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं योगी जी, आखिर राम राज्य है कि रावण राज्य है? एक महीने के अंदर इसकी जांच नहीं हुई, एक महीने के अंदर इसका दूध का दूध पानी नहीं हुआ, तो योगी जी आप समझ लें पूरा संत समाज मध्य प्रदेश से पूरे देश से इकट्ठा होगा, 10,000 की संख्या में पूरा संत समाज बुलंदशहर पहुंचेगा, अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताएं। वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया। अब आरबीआई ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं, इसलिए संसद में इस सच को छिपाया गया। साथ ही राहुल गांधी ने संसद में सवाल पूछने का अपना वीडियो भी जारी किया है। मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 विलफुल डिफॉल्टर हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मुझे घुमा फिरा के कुछ और बोला है, मगर जो 50 नाम हमने मांगे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप प्रश्न पूछो ना। नहीं, थोड़ा बोलने तो दीजिए, आप मूल प्रश्न थोड़ा बोलने तो दीजिए, सेट तो करने दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका जवाब नहीं मिला, लंबा भाषण मिला, मगर मुझे जो चोट पहुंची कि जो मेरा पार्लियामेंट्री हक है, मेरा एक सेकेंडरी क्वेश्चन पूछने का, वो मुझे स्पीकर जी ने पार्लियामेंट में पूछने नहीं दिया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि भगोड़ों का लोन माफ बीजेपी का मूल मंत्र बन गया है। उन्होंने कहा कि 16 मार्च 2020 को संसद में राहुल गांधी ने बैंक घोटालेबाजों के नाम मोदी सरकार से पूछे थे, वित्त मंत्री और सरकार ने षड्यंत्रकारी चुप्पी साध कर ये नाम जग जाहिर करने से इनकार कर दिया था। भगोड़ों का साथ और भगोड़ों का लोन माफ अब भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र बन गया है। याद करें 16 मार्च 2020 को श्री राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर देश के सबसे बड़े 50 बैंक घोटालेबाजों के नाम मोदी सरकार से पूछे, वित्त मंत्री और सरकार ने षड्यंत्रकारी चुप्पी साधकर ये नाम जाहिर करने से इनकार कर दिया। वहीं DHFL के प्रमोटर कपिल और धीरज वाधवन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यस बैंक घोटाला मामले में दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। क्वारंटीन खत्म होने के बाद CBI ने रविवार को दोनों को गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक बार फिर विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने की सिफारिश की है। दरअसल उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए विधायक या विधान पार्षद बनना जरूरी है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद संभाला था और उन्हें पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर ही विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। अब तक वो राज्य विधानसभा या परिषद के सदस्य नहीं है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें CM उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में नामित करने के लिए राज्यपाल कोश्यारी को एक बार फिर सिफारिश की गई है। आपको बता दें कोरोना संकट की वजह से चुनाव आयोग ने सभी उपचुनावों को स्थगित कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।